क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ननकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और आज तक के फैसला लम अपेक्षित है। अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं हम जांच करा लेंगे, यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे, न्यायालय हमको निर्देश करें हम वो सब काम करेंगे। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने सरकार को इन सारे विषयों को पक्ष रखने के कहा है और इनकी नियुक्ति के आदेश को रोक लगाने का कहा है, दो फैसला साफ साफ शब्दों में आए हैं। अब आगे चीफ जस्टिस साहब उसके गुरुदोष के आधार पर बाकी निर्णय लेंगे। स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो हॉट इशू है जिसकी चर्चा आज चारों तरफ है। हालांकि जैसे ही पीएससी के परिणाम आए थे उस दिन से इस बात को रह रहकर लोग चर्चा में ला रहे थे कि क्या इस नियुक्ति में कोई गड़बड़ी हुई है। कुछ परीक्षार्थियों ने भी आपत्तियां की थी, उसके बाद राजनीतिक बयान भी आए थे, लेकिन अब कुछ तथ्य कोर्ट के सामने जब रखे गए हैं तो कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए ना केवल फटकार लगाई है बल्कि इस पूरे मामले को अब अपनी सुनवाई में ले लिया है। ऐसे में जो नियुक्तियां थी विवादों में वो नियुक्तियां अब एक तरीके से रुक गई हैं, जिसके बाद सियासत छत्तीसगढ़ में गर्म है। यही सियासत क्या है जानेंगे इस चर्चा में। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बिलासपुर से अनिल चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक पीएससी स्टूडेंट के रूप में इस पूरे मामले को करीब से जानने वाले कैलाश शर्मा जी मौजूद हैं जो कि परीक्षार्थी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूँ। जैसे कि हमने बयान सुना है क्या क्या कहना है बड़े नेताओं का, किस तरीके से सियासत इसमें गरमाई हुई है, तो एक एक करके प्रतिक्रिया को लेना शुरू करता हूं। और सबसे पहले हम बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि बीजेपी लंबे समय से जब से सरकार कांग्रेस की बनी है इस तरीके की परीक्षाएं जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके परिणाम आते हैं तो सवाल बीजेपी उठाती है। निशिकांत पांडे जी, अब जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं उसमें कोर्ट का भी साथ मिल गया है आपको, तो ऐसे में आप लोग अब इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या तथ्य हैं आपके और चाहती क्या है बीजेपी इस पूरे प्रकरण में? मोहन जी, इस पूरे मुद्दे को सख्ती से उठा चुके हैं, उठाते आए लगातार, जब नाम आए सरनेम छुपा के नाम गया है, इस बातों को लेकर लगातार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा मोर्चा के आए और हाउस सीएम हाउस का घेराव। मोहन जी, प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा छावा शायद में कभी किया होगा कि एक तरफ हरी साथ दे रहे हैं, एक तरफ पीएससी में जो कर्मठ युवा है परिश्रम करके और बिना मतलब ऐसी जो कम व्यवस्था में भी अपनी योग्यता को प्रमाणित करते हैं उनको भी उस मौके से हटा दिया गया, अपने परिवार जनों को वहां 18 सात सात लोग मोहन इतना कोई हो सकता है क्या? देखिए अभी जैसा उनका व्यवहार नहीं लगा कि उनको शर्म आ रही है या मतलब रहा है कि हाँ आदेश ले लिया है जो आदेश। पांडे जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम आपके पास एक बार संपर्क करते हैं, फिर से आऊंगा आपके पास। लेकिन एक पूरा खाका बीजेपी के प्रवक्ता की बात से ये सामने आया कि चहेतो को नियुक्ति दी गई और इसी नियुक्ति पर बीजेपी का सवाल था, ननकीराम की याचिका थी जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ऐसे में जो सरकार का पक्ष है उसको जानना भी जरूरी है। अनिल जी हमारे साथ हैं, चौहान जी, ये आरोप बार बार लगता है और आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो बार बार उठाते थे कि भाई पीएससी में नियुक्ति सही नहीं हो रही है, अब आप लोग सरकार में हैं, आप लोग के समय भी ये सवाल उठ रहा है, तो क्या इस तरीके की नियुक्ति पर आप लोगों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाई?
देखिए मोहन जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं भी सरकार को फटकार लगाने जैसा कोई काम नहीं किया, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ननकीराम कंवर जी की याचिका पर कोई बहुत बड़ा फैसला आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ इसमें एक अंतरिम ऑर्डर किया है, और उन्होंने पूछा कि आपको सिर्फ 18 नामों पर आपत्ति है, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि हाँ हमें 18 नामों पर आपत्ति है। पूरी प्रक्रिया को उन्होंने दूषित नहीं कहा है, सिर्फ 18 नामों पे उन्होंने आपत्ति की है। वो इस कारण से कि वो जो पीएससी के चेयरमैन है उनके रिश्तेदार हैं, कुछ एक दो कांग्रेस नेताओं के बच्चे हैं, इस तरह से रूलिंग पार्टी के लीडर्स के बच्चे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि मामला सीरियस है और युवाओं की मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इन 18 बच्चों को छोड़कर बाकी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चलती रहे, इनके मामले में नियुक्ति को यथास्थिति करने का आदेश अग्रिम आगामी सुनवाई तक माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए मोहन जी। दूसरी बात देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जब कोई मामला हो उसका मीडिया ट्रायल बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी अपनी मर्यादा को बिना भंग करते हुए आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 2003 में जैसे ही रमन सरकार आई थी उसी बार की पीएससी परीक्षा में लगातार गड़बड़ी मिली। इन्होंने सबसे बड़ी प्रत्यक्ष गड़बड़ी की रैंकिंग को लेकर, और रैंकिंग में ये अपने लोगों को पूरी तरह से ऊपर डाल दिए, और जो कहना चाहिए कि मेरिट बेस पे जो टॉप पे थे उनको नीचे ले आए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा कि रैंकिंग में गड़बड़ी है, 2016 में इसका आदेश आ गया था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में आज भी यह याचिका लंबित है जिसमें सरकार अपील में गई थी, मतलब जो लोग डिस्क्वालिफाइड हुए थे या जिनकी रैंकिंग नीचे दिखाई गई थी उन लोगों ने वहां सर्वोच्च न्यायालय में इसके बाबत याचिका लगाई थी, अपील प्रस्तुत की थी, और वो अभी तक लंबित है। तो देखिए, जब व्यापम घोटाले की जहां तक बात हो, पीएससी के घोटालों की बात हो, जब हिंदुस्तान में अगर इन घोटालों की बात हो तो सिर्फ नाम आता है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार का, जहां राज्यपाल के बेटे को आत्महत्या करनी पड़ी, टोटल 30 से 32 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनकी हत्याएं कर दी गई संदिग्ध अवस्था में। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में खलबली मच गई थी कि कौन सा व्यापम घोटाला है, भर्ती घोटाला है। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है उसने पारदर्शिता को भंग किया है, पूरी तरह से पार्शियलिटी की है। हमारे यहाँ तो सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में भी कहा है कि अगर किसी प रकार का निर्देश है माननीय न्यायालय का तो हम जांच कराएंगे। ये स्थितियां बन क्यों रही है, जब भी नियुक्ति होती है चौहान जी, ये जब भी नियुक्ति होती है सवाल क्यों उठते हैं? 10 सेकंड में बस कंप्लीट कर रहा हूँ जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में हमने खुद मेंशनिंग किया है कि हम इस मामले में जांच करा के माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे, इस पर माननीय न्यायालय ने सहमति दी है, और हम उस पर जांच करा के उनको अवगत कराएंगे कि इन 18 नामों को लेकर क्या परिस्थितियां हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मीडिया ट्रायल कर रही है और गलत ढंग से मामले को प्रस्तुत कर रही है, जबकि भाजपा सदैव भ्रष्टाचार का स्रोत रही है। उसने इस देश में ना सिर्फ लोकतंत्र को दूषित किया है बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया है। भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, वो झूठे आरोप लगा। चलिए, पांडे जी की बात अधूरी रह गई थी। पांडे जी, कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना है कि सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, सारी चीजें स्पष्ट है और एक तरीके से पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है, क्या है आधार, क्या है आप लोग जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो डिफेंस ले रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई है और वीडियो देखा गया है, पूरे प्रदेश ने देखा है। आज ये लीपापोती करने में लगे हैं कि अगर हाई कोर्ट कहेगा, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय कहते हैं उसको, क्षमा चाहता हूं, हाई कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट कहेगी तो हम जांच करा लेंगे। भाई साहब, जांच कराने में आपको समस्या क्या है? सीबीआई जांच का क्यों नहीं आदेश देते हो आप? अगर इतने मतलब बांगड़ बिले वहां पे पहुंच गए, दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, नीचे से ऊपर करने वाले लोग आप लोग हैं। टॉमन सिंह सनवानी का परिवार कितने लोगों एक साथ, ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता जी, हमारी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप उनका बचाव कर रहे हैं तो ये प्रदेश के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं आप, उनके साथ जाति कर रहे हैं, क्योंकि अगर योग्य व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचेगा तो अयोग्य व्यक्ति अगर गलत तरीके से यहाँ पहुंचेगा तो पूरे प्रदेश में फिर से आग लगाएगा। आप समझिए, योग्यता के आधार पर पीएससी चयन करेगी या परिवार के आधार पर पीएससी चयन करेगी, इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप बहुत बखूबी से, आप बहुत विद्वान हैं, वकील भी हैं, बहुत बखूबी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ पत्ता नहीं हिलने वाला। क्या बात करते हैं आपकी, पीएससी में बिना भूपेश बघेल के संरक्षण के इतना बड़ा संयंत्र हो गया,
ये प्रदेश के युवाओं के हित का जो आपने वो किया है ना। नहीं पांडे जी, अगर किसी के पिताजी कोई आधिकारिक पोस्ट में है, कोई सरकार में है, इसका मतलब उसके बच्चे की क्या नियुक्ति नहीं हो सकती? क्या वो ज्ञानवान नहीं हो सकता? क्या वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता? उस पर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है और हो भी सकता, हुआ भी है, लेकिन सिर्फ उसी के परिवार का बच्चा होगा होनहार और युवा मतलब योग, ये कैसे हो सकता है मोहन जी? एक ही परिवार का चारों पांचों छह लड़के एकदम इतने विद्वान हो जाएंगे? ये बिल्कुल षड्यंत्र है मोहन जी। हम और आप देख के जहर नहीं पी सकते। हमको प्रदेश के युवाओं का आवाज लेके हम लगातार संघर्ष किए, तब भी ये नकारते थे और आज देखिए हाई कोर्ट के मतलब टिप्पणी के बाद भी ये नकार रहे हैं कि ऐसा हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है। जजमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि इन नियुक्तियों को रोका जाए और इस पे जांच की बात कर रही है। अभी देखिए, अभी ये बोल रहे हैं कि ननकीराम कंवर गए थे, कोई भी गया था कोर्ट, गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, प्राइमा फेसिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका जवाब तो अनिल जी से लेना चाहिए ना आपको। ठीक है, चलिए लेंगे। बाकी कैलाश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो अपना दर्द बताएंगे आपको। ठीक है, आप देखिए, चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं कैलाश जी। ठीक है, कैलाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, ये बात बार बार स्टूडेंट लोग के बीच से पहले आई कि कहीं ना कहीं मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उत्तर पुस्तिका की कापियां जब निकली तो भी ये सवाल उठे कि हमारे सही जवाब थे, गलत हो गए, कम दिए आंसर, गलत दिए, ये आखिर स्टूडेंट क्या चाहता है, क्या इस पूरे प्रकरण में उसका नजरिया है? सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2019 से ये बवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 2019 में पीएससी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। पहले की जो प्रक्रिया होती थी, अगर कोई बच्चा है जैसे मुझ जैसा विद्यार्थी है, अगर वह एग्जाम दिलाता था, एग्जाम दिलाने के बाद मुझे उसका जो अपना पीएससी द्वारा मॉडल आंसर शीट जारी की जाती थी। जारी करने के बाद उसमें हम दोनों को मैच करते थे कि हमारे एग्जाम के जो रिजल्ट है वो दोनों सही है कि नहीं है, कि क्या है, कैसा है, किस स्टेप से, हम एक एक पॉइंट चेक करते थे। उसके बाद हम जाके पीएससी के पास में एक एप्लीकेशन देते थे कि सर नहीं, ये जो अगर जो करेक्शन किया जाए इसमें गलत, हाँ। तो उसके बाद में पीएससी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाती, जो मॉडल आंसर शीट है उसमें संशोधित किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2019 के में पीएससी ने उसमें एक संशोधन किया कि 56(3)(2) के में उन्होंने ये कर दिया है कि अब जैसे अगर किसी का आंसर शीट है, वो मॉडल आंसर शीट फिर से अगर हम जाके करेक्शन कराना चाहे तो उसके लिए वो पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो देंगे। मतलब एक कहीं आपके टॉप 20 या कहीं कोई अधिकारी जिसको जो, हाँ। जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है, वो प्रक्रिया पूरी होने के या आपके जो मॉडल आंसर शीट जो पीएससी देगी वो पोस्टिंग होने के बाद करीबन 6 महीने बाद आपको मिलेगी। तो अब एक सामान्य सा विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ, वो न्यायालय में 6 महीने बाद जिसको पोस्टिंग मिल चुकी क्या न्याय मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम डेली पढ़ने वाले, सुबह से लेकर रात तक पढ़ने वाले, और अब जाके हमें पता चलता है कि नहीं, कि आंसर शीट हमें मिल ही नहीं पा रही थी, इसके लिए क्या उपाय है? पारदर्शिता कहीं दिख ही नहीं पा रही है। दूसरी बात, अभी जब हाईकोर्ट का जब मैंने देखा, सुनवाई देखा, तो उसमें क्वेश्चन जो अपना कुंडू नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, उसमें असम लिखा, असम का आंसर आता है, उनमें उनको 8 में से 6 नंबर मिलते हैं। वी नारायण सिंह जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें बजरंग सिंह के बारे में जवाब दिया जा रहा है, उसमें 8 में से 6 नंबर दे रहे, 5 नंबर दे रहे, तो ये आखिर हो कैसा रहा है? इसको हमें समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज और भी थी, पहले जब पीएससी के जो एग्जाम होते थे उसके बाद इसका जो चेकिंग होती थी वो फिजिकली होती थी, लेकिन अब इसमें एक चीज और आ गया है कि अब स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद वो किसी एक व्यक्ति के पास में चेक होने जाती है। अब जब चेक होने जा रही है तो वह व्यक्ति चेक कैसे कर रहा है, क्योंकि जब जिस टाइप से ये जो आंसर शीट जारी हुई है उससे तो अब समझ में आ रहा है कि कौन जांच कर रहा है और कौन बैठा है। और चौथी सबसे प्रमुख बात ये कि कोई भी जितने भी जो अधिकारीगण या नेतागण के पुत्र या उनके रिश्तेदार जो अभी चयनित हुए हैं, उन्होंने एक तो पीएससी में एक तो नियम भी है इनके में कि जब भी इनकी इंटरव्यू होती है तो उस समय ये अपने आप को अलग करते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल की बात है कि पीएससी चेयरमैन जो है या जो भी उनके अंतर्गत में रहे, क्या उन्होंने अपने इंटरव्यू के समय अलग थे और नहीं थे? वो सगे परिवार के सगे सदस्य के लिए है, अगर दूर का कोई रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं तो हो सकता जिस स्टेप से, लेकिन जिस स्टेप से अभी बताया जा रहा है जो भाजपा के प्रवक्ता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई रिश्तेदार है और हमने भी कहीं ना कहीं देखा है, तो क्या टामालाल सोनवानी जो चेयरमैन जो है कथित रूप से जांच के दायरे में ये, तो उनके क्या उन्होंने अपने आप को अलग किया था या नहीं किया था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमें
देखना चाहिए इन सभी ये सभी क्या बातें। लगता है फिर से मेरिट लिस्ट रिवाइज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जो हाईकोर्ट के जो भी जो दिशा निर्देश आए हैं, मैं तो चाहूंगा कि हम सभी छात्र हम चाहेंगे कि इसको दोबारा एक बार रिव्यू किया जाए, देखा जाए, क्योंकि जिस टाइम मैंने कहा ना कि एक मॉडल आंसर से आप जारी तो कर दिए, जो उसके बाद किसी एक व्यक्ति के पास में जांच के लिए भेज दिया जा रहा है, ये अब वो व्यक्ति किस प्रकार से जांच रहा है, जो 8 में जो नंबर जो सवाल का जो आंसर ही गलत है उसका 5 से 6 नंबर कैसे मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नियुक्ति तो कई दिनों से अलग अलग परीक्षाओं की हो रही, क्या आपको लगता है पीएससी बस में हो रही है या और कई चीजों में हुई है गड़बड़ियां? पीएससी को मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 से 19 के बाद जब से ऐसा देख रहा पड़ रहा है कि चपरासी के एग्जाम को पीएससी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है पांडे जी, ज्यादा से बताएंगे पांडे जी, ये बातें बार बार आती है कि रिश्तेदार है, उधर से जवाब आता है रिश्तेदार नहीं है, इसका क्या आधार है? हो सकता है इतना प्रदेश छोटा है और कुछ जाति विशेष के लोगों के परिवार काफी ज्यादा है, और अगर उनके यहाँ परिवार में कोई सदस्य हो भी जाता है तो दूर के रिश्तेदार को कैसे जोड़ सकते हैं हम, इसका आधार क्या आपका? जाति विशेष को छोड़ दो, आप सिर्फ इतना समझो कि जो कैंडिडेट है वो बेटा है कि नहीं है, बेटी है कि नहीं है, दामाद है कि नहीं है, बहू है कि नहीं, ये एक बार देखना तो पड़ेगा। हम कह रहे हैं आप मानो ना मानो, तो ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होगी क्या? रिश्तेदार है तो क्या बोले? अगर ऐसा कोई रिश्तेदार है भी तो क्या उनको नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है क्या? सिर्फ उन्हीं को नियुक्ति पाने का अधिकार है मोहन जी, बाकी सब मतलब पीछे रहेंगे जीवन भर, ये क्या तमाशा बना के रखे हैं लोग। मतलब एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें 100 कैंडिडेट बैठते हैं और उसमें रिजल्ट आता है 199 कैंडिडेट का, ये कैसा एग्जाम हो रहा है? क्या पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? जो अभी कैलाश शर्मा जी बता रहे हैं, ये देखो अभी इस एज में ये बात कर रहे हैं, ये आप इनका दर्द समझ पा रहे हो कि सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और आ रहा है, नंबर पूरा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भैया, कैसे मिल रहा है भैया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दामन सिंह सनवानी चेयरमैन है, अगर उन पे बात आई है तो क्या उनको सरकार को उसको अलग नहीं करना चाहिए? अभी कैसे जांच कराओगे? 18 लोग एक पर मतलब 6 लोग 7 लोग दामन सिंह सनवानी के कांग्रेस पार्टी के नेता के पुत्र, योग्यता के आधार पर कोई सिलेक्शन? ठीक है चलिए चौहान जी, ये सवाल जो उठ रहे हैं इन सब का जवाब के साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक है, नाइंसाफी हुई है परीक्षार्थियों के साथ भी और प्रदेश के साथ भी। चौहान जी हमको याद आता है जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो ऐसे ही सवाल उठाती थी बीजेपी की पीएससी परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां, कई तरीके की गड़बड़ियां, कुछ नियुक्तियां, इस तरीके के सवाल कई उठाई है कांग्रेस। अब उसके समय में ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका सही ढंग से न्याय मिले स्टूडेंट को, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए मोहन जी, अभी जो हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, विद्वान साथी ने बताया कि छोटी छोटी परीक्षाओं भी व्यापम के माध्यम से ली जा रही हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रमन सरकार में छोटी भर्तियों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ। प्रदेश के युवाओं की ये मांग थी कि व्यापम के थ्रू और पारदर्शिता से परीक्षाएं हों। आपका कहना ठीक है कि कॉपियां आप कंप्यूटर से स्कैन हो रही हैं, सारे तथ्य रखे जाते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं, पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हुआ है, थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है, और तथ्यों को बहुत सुरक्षित रखा जाता है स्कैन करके, और फिजिकली जब जांच होती थी तो कोई कुछ भी उसमें छेड़छाड़ कर लेता था, लेकिन पहले से जब वो स्कैन हो जाती है तो इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो छोटे छोटे पदों पर भी भर्तियां होती हैं, उससे जो छोटे छोटे स्तर पर जब भर्तियां होती थी, जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर, तो उसमें घालमेल की संभावना ज्यादा होती थी। अब राज्य स्तर पर भर्ती होती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होती है, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। दूसरी बात देखिए, 2003 से 18 तक रमन सरकार में सारी भर्तियां डिस्प्यूटेड होती थी। मैंने बताया 3-4 में जो भर्तियां हुई, 16 तक उनमें मामलों में याचिका चली और हाईकोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी मान लिया कि हाँ गड़बड़ियां हुई है, रैंकिंग में सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अब देखिए यहां भी जो मुद्दा है, इसको भाजपा जरूर बड़ा मीडिया ट्रायल कर रही है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि सिर्फ 18 नामों पे हमें आपत्ति है, बाकी विषय बाकी लिस्ट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि 18 लोगों पर यथा स्थिति रखा जाए, जो ज्वाइन भी कर लिए हैं उनको उसी स्थिति में रखा जाए, जो ज्वाइन नहीं किए उनको ज्वाइन ना कराया जाए, यथा स्थिति रखी जाए, पर बाकी जो कैंडिडेट हैं
उनके फ्यूचर से कोई भी खिलवाड़ नहीं चलेगी। 18 नामों पर आपत्ति है उसको होल्ड किया है उन्होंने, और बाकी नामों में जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए सरकार को फ्री हैंड छोड़ा है। दूसरी बात देखिए, अगर कोई शिकायत किसी विषय में रहती है, जब सरकार के पास शिकायत आएगी कि भैया ये चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये गड़बड़ कर रहा है इन नामों में, सरकार उस बिंदु पर जांच करेगी। जब ऐसा लगेगा कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करेगी। अभी तक ज्यादातर इस विषय में मीडिया ट्रायल हुआ, ज्यादातर सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई, जबकि 5 सालों में सरकार पर कोई भी इस प्रकार का लांछन नहीं लगा सका। न्यायालय में भी जो मुद्दे गए सभी में सरकार लगभग जीत की स्थिति में है, कहीं भी सरकार को घेरा नहीं जा सका। पांडे जी, इस ये राजनीति से प्रेरित आरोप है, चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? लगातार पीएससी को लेकर 2 साल से हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो अनिल जी बात कर रहे हैं, इनकी देखिए, इनकी जो भक्ति है ना पार्टी के प्रति है, प्रदेश के युवाओं के प्रति इनकी निष्ठा नहीं जग रही है। अगर 18 ही की बात हम कर रहे हैं, हम चलो छोड़ दो, 18 में अगर आप लोग कहलाते हैं भाई साहब, हम लोग अंधभक्ति नहीं करते। मैं लॉ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ निशिकांत जी, जो लॉ पॉइंट है, मैंने कहीं भी दलगत राजनीति से प्रेरित होकर कोई दूषित बयान आपकी तरह नहीं दिया है। ठीक है, तो सीबीआई जांच चोर स्वीकार करेंगे क्या? चोर नहीं हो जाता, और जो चोर रहता है वही दूसरों को ज्यादा चोर कहता है। निशिकांत जी, आप राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय का अपमान भी कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, उसको दूसरे तरीके से उस ऑर्डर को भी बरगलाकर बता रहे हैं एक लोकप्रिय चैनल पर, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। चौहान जी, अगर रोकिए थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 18 नाम की बात कर रहे हैं, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है तो कैसे आप इस पूरे तैयारी को आप कैसे आप सही मान लोगे? 18 लोगों में एक परिवार का 6 आदमी, अनिल जी आपको जरा सा भी नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है? जरा सा भी आपके दिल में बात नहीं आ रही क्या? आप सरकार को फेवर करो ठीक है, लेकिन ये सरकार नहीं है सुनवानी, सुनवानी एक अधिकारी है, आपको उसको सस्पेंड करने में क्या समस्या है? कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी गड़बड़ किया होगा तो आप विश्वास रखिए, मैं एक लोकप्रिय चैनल पर बैठा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी। उसको मानने को तैयार नहीं हो तो क्या होगी? लेकिन उच्च न्यायालय ने क्यों बाकी लिस्ट को, बाकी लिस्ट पर उन्होंने कहा कि ठीक है 18 नामों पर आपत्ति, उसमें यथास्थिति रखी जाए, बाकी पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, उस पर सवाल मत उठाइए। वो माननीय विद्वान न्यायालय का निर्णय है, उसको अगर आप किसी तरह से एडिटिंग करेंगे या कुछ और करेंगे तो वो गलत है। इस तरह की चीजों में मैं हिस्सा नहीं बन सकता। मीडिया ट्रायल माननीय न्यायालय का नहीं होना चाहिए, मैं आग्रह कर रहा था आपसे। चौहान जी, क्या जांच की बात को स्वीकार करेंगे क्या आप लोग? अगर इसमें कोई गड़बड़ी की बात आ रही है, स्टूडेंट भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, तो क्या जांच को स्वीकार करेंगे क्या आप लोग? जांच को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से गवर्नमेंट के एडवोकेट ने, जो हमारी सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे, उन्होंने मेंशनिंग किया है कि हम जांच के लिए तैयार हैं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे और स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे। तो हमारी मेंशनिंग है, हम जांच के लिए तैयार है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई नाम है तो नाम दीजिए, उस एंगल पर जो विषय है, जो शिकायत करता है, उस एंगल पर हम जांच करेंगे। हमारी व्यवस्था तो बहुत साफ सुथरी है, हम तो सीधी बात कर रहे हैं, और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, ये निश्चित बात है। ये बात तो हमने न्यायालय में खुद से मेंशन की है और न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, जांच के लिए तैयार है पांडे जी, जांच के लिए ये तैयार है। फिर कैलाश जी के पास आखिरी में आऊंगा, जांच के लिए तो तैयार है, यानी इनको कोई डर नहीं है जांच से? मोहन जी, 10 दिन आचार संहिता लग गया, जांच करवाएंगे, इनको जांच कराना होता, कितना समय निकल गए, नहीं कराते जांच, पूरी प्रक्रिया ही दूषित है। कोई ताल्लुक नहीं है साहब, निशिकांत जी, एक सिस्टम में पांडे जी नहीं होती है। आ गया चौहान जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई पांडे जी। पांडे जी, जांच के लिए सरकार तैयार है, ठीक है, दूषित है, इसलिए दूषित है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सारा पैसे का खेल चल रहा है, विधायक का पैसों के साथ खेल देख ही रहे हैं हम, इनके कोयला घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला के साथ साथ पीएससी घोटाले में भी देख रहे हैं हम। प्रदेश का युवा निर्वस्त हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी आज देखिए बिल्कुल निर्लज्जता से अपनी सरकार का बचाव कर रही है, ये नहीं कि प्रदेश को भटकाइए मत। श्रीकांत जी, मैं 15 साल की पोल खोलूंगा, झलियामारी, नसबंदी, और जिस तरह से अंधा कर दिया आप लोगों ने लाचार लोगों को, जैसे आप लोगों ने खुलेआम उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, आपको जगह नहीं मिलेगी। सचिवालय में जो करप्शन हो रहा है उसकी बात कर लो आप, ठीक है, चलिए। बीजेपी इस मामले को उठा रही है, मानते हैं। अब कैलाश जी पूछा, कैलाश जी ये सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे और कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जांच हो जाएगी, क्या इससे संतुष्ट है क्या परीक्षार्थी? नहीं, परीक्षार्थी तो सर बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा अगर ये जांच सीबीआई जांच की अगर मांग हो रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात। सीबीआई तो ये मानते नहीं ना कि सही जांच कर पाएगी। चौहान जी, सीबीआई जांच से सहमत है क्या?
मैं कैलाश भाई हमारे विद्वान युवा बैठे हैं यहाँ, मैं सिर्फ उनसे एक निष्पक्ष टिप्पणी चाहता हूँ कि वो देख लें कि देश इस प्रदेश में ईडी ने कितनी जांच की। आप 3% भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई पूरे प्रदेश में, नंगा नंगा किया ईडी ने। भाजपा के प्रकोष्ठ है ईडी सीबीआई आईटी, प्रदेश की सरकार जांच करेगी, प्रदेश के एक एक युवा को न्याय मिलेगा। कांग्रेस का संकल्प है और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। सीबीआई जांच की आवश्यकता इस प्रदेश में नहीं है क्योंकि सीबीआई को पोपट बना दिया गया है और अमित शाह जी ने ईडी सीबीआई को पूरी तरह दूषित कर दिया है, संवैधानिक संस्थाओं लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर दिया है। थोड़ा आवाज सुधारिए। ठीक है सर, मैं बस एक बस आपसे बस इतना ही निवेदन है मेरा, छोटा सा सरकार से निवेदन है मेरा कि ऐसे क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि तामन सोनवानी जी 8-10 तारीख को रिटायरमेंट हुए हैं, 8 तारीख को रिजल्ट को आनन फनन में जारी कर दिया गया है, 40 दिन में ऐसा पीएससी को क्या ऐसा अपना कौन सा किस प्रकार से चेक कर दी कि इतिहास मतलब सबसे बड़ा इतिहास का हमारे छत्तीसगढ़ में रचा लगा रहा है पीएससी के मामले में सबसे जल्दी रिजल्ट 40 दिन में रिजल्ट घोषित। दूसरी बात अच्छी बात है ना, जल्दी रिजल्ट घोषित करने से कोई सेटिंग की संभावना नहीं रहती, ये भी बात तो है। सेटिंग की संभावना नहीं सर, मेरा बस एक ही है अगर इनकी अपना जिस टाइप से अपना इनका रिटायरमेंट की बात चल रही है, दूसरी बात चल रही है कि अपना 8 तारीख को इन्होंने घोषित कर दिया, तीसरी बात यह इतना आनंद फानंद कि रिजल्ट को आप देख लिए। मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति के पास में स्कैनर ने आप दे भेज दिया बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसे कौन से बड़े विद्वान जो अपना जो परीक्षा जांच रहे हैं, जो कॉपी जांच रहे हैं कि 8 जो कि अपना गलत जो गलत आंसर है उसको सही बना दे रहे हैं, इससे अब युवा क्या करेगा बताइए। जांच कौन करे, जांच और अगर ऐसा हुआ है, जांच हुआ है आनंद फानन में कराया गया है और सुनियोजित या पूर्व नियोजित तरीके से किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना की गई है या भ्रष्टाचार किया गया है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। मैं तो कह रहा हूँ अधिकारी हो, कांग्रेस संकल्पित है एक एक युवा को न्याय मिलेगा और कार्रवाई होगी अगर। बिल्कुल 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 सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा बस एक ही चीज है, सरकार क्योंकि जो अपना जो जांच के जो अधिकारी है, अधिकारी ही खुद अगर करप्ट होंगे तो फिर सरकार जो जांच पे फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि हम न्यायालय निष्पक्ष ढंग से जांच की जांच तो क्या 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 मामला है। मेरी मांग के साथ ही साथ एक मांग ये भी है, माननीय उच्च न्यायालय पे आपको भरोसा करना होगा। जी जी, माननीय उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में है मामला, इसलिए सही कमेटी बनेगी, सही ढंग से जांच की जाएगी और सही ढंग से वस्तुस्थिति बताई जाएगी। समय की कमी है इसलिए ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इस पूरे मसले को काफी गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस करते हैं क्योंकि ये परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं, कोई आशंका है, तो उसे भी खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार इन सब बातों को देखते हुए ऐसे कदम उठाए जिससे कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। सियासत अपनी जगह जारी रहेगी तो अपने अपने सवाल कांग्रेस और भाजपा के हम और समय समय पर पूछते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े सब मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आपसे लेता हूं विदा। आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।